हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को तो इस एक्सरसाइज करने से पहले हमको कुछ फार्मूलास याद करना पड़ेगा तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं तो दोस्तों इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अगर आपको अभी भी फार्मूलास में कुछ डाउट है याद नहीं कर पा रहे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है थ्री साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स तो क्वेश्चन को देख के हमको आइडेंटिफाइड करना है कि, कि किस पार्ट में हमको सब्सिट्यूट करना है और क्या सब्सिट्यूट करना है तो यहाँ पे हम लोग अगर पुट और नहीं तो लेट लेट साइन टीटा इज इक्वल टू एक्स एक्सो कल हम साइन टीटा ले लेंगे तो टीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स आर एच एस क्योंकि हम लोग आर एच एस की प्रूफ कर LHS तो है, LHS सकते हैं क्योंकि एल एच एस तो बहुत छोटा पाट है आर एच एस से एल एच एस लिखा सकते हैं तो आर एच एस क्या था यहाँ पे आर एच एस साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स है एक्स सब छूट करेंगे थ्री एक्स थ्री साइन टीटा माइनस फोर साइन क्यूब टीटा क्या किया मैंने मैंने एक्स को साइन टीटा लिया और राइट साइड में उसमें पुट किया तो इस प्रकार की एक इक्वेशन आएगी तो हम लोग पता है साइन इनवर्स ये किसका फॉर्म है साइन थीटा का फॉर्म है साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब साइन क्यूब थीटा लोअर क्लास में पढ़े थे यही तो मतलब क्या हो जाएगा पूरा इक्वेशन चेंजेस टू साइन थ्री थीटा तो उसके बाद पता है क्या करना दोनों कैंसिल हो जाएगा बचेगा थ्री थीटा लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में एक्स का फॉर्म में था टीटा को रिमूव करने तो टीटा को यहाँ क्या आता टीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू एल एच एस हैंड्स प्रूफ हैंड्स प्रूफ प्रूफ करेगी नहीं हम लोग बेसिक ज़्यादा कुछ नहीं करें इजी था बस फाइंड करना है कि हमको इक्वेशन में क्या सब्सटूट करने से इक्वेशन छोटा पड़ेगा और आंसर जल्द से जल्द निकलेगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते थ्री कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स क्वेश्चन देखिए आइडेंटिफाइड करने की क्या सबसे करने आर एच एस को सॉल्व करेंगे बट यहाँ पे कॉस इन्वर्स है तो अंदर वाला को भी कॉस में चेंज करने से आसानी होगा तो लेंगे हम लोग लेट कॉस टीटा इज़ इक्वल टू एक्स एक्स को क्या लेंगे हम लोग एक्स टीटा एक्स इज इक्वल टू कॉस टीटा और टीटा इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स तो अभी आर एच एस को प्रूव करेंगे आर एच एस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स तो कॉस इनवर्स फोर एक्स जगह क्या है कॉस क्यूब टीटा थ्री एक्स जगह कॉस टीटा सही माया आर एच एस को मैंने लिया एक्स के वैल्यू हम लोग पता है लिए थे कॉस टीटा सब छोड़ के आ दिया और जो ये जो है किसका फॉर्मूला है फोर कॉस क्यूब टीटा माइनस थ्री कॉस वो फॉर्मूला है कॉस थ्री टीटा का किसका है कॉस थ्री टीटा का तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बचेगा थ्री टीटा टीटा का वैल्यू सब शूट करेंगे टीटा को क्या लिए थे टीटा आ गया यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स सही दोस्तों आपको ये वाला भी बहुत आसानी से निकल गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं टेन इनवर्स टू बाईलेवन प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर इज इकल टू टेन इनवर्स वन बाई टू तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते अभी हम लेंगे एल एच एस को सॉल्व करेंगे आरएचएस लेने के लिए तो देख के पता चलता है दोस्तों ये tan का फॉर्म फॉर्मूला यूज होएगा क्या फॉर्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस टेन यूनर्स वाई क्या होएगा tan इनवर्स एक्स प्लस इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई तो अप्लाई करेंगे लेंगे पहले एल एच एस को एल एच एस इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू बाई इलेवेल प्लस टेन इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर तो फॉर्मूला डाल देंगे टेन इनवर्स टू बाई इलेवन एस टूल्व सेवन बाई ट्वेंटी फोर बाई वन माइनस टू बाई इलेवेल सेवन बाई ट्वेंटी फोर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एलम कितना आएगा एल एम आएगा टू सिक्सटी फोर और ये क्रॉस मंटी फाई फोर्टी एट प्लस सेवेंटी सेवन एस एम निकाल के दोस्तों सिंप्लीफाई कर रहे हैं दोस्तों टू सिक्सटी फोर माइनस फोर्टीन बाई टू सिक्सटी फोर दोनों कैंसिल हो जाएगा हम जो रिमोट जो रिमेनिंग टर्म उसको निक लीजिए क्या है फोर्टी एट प्लस ट्वेंटी सेवन बाई टू सिक्सटी फोर माइनस फोर्टीन तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स दोनों प्लस करें वन ट्वेंटी फाइव और ये होएगा टू फिफ्टी दोनों कैंसिल हो जाएगा टू आ जाएगा तो आंसर आ गया टेन इनवर्स वन बाई टू दैट इज इक्वल टू आर एच एस बहुत ही आसानी था क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ आएगा हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए थे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज़ करें और बाकी सब सिंप्लीफाई करें सिम्प्लीफिकेशन में थोड़ा ध्यान रखना आपको गलती ना करें तो आंसर आराम से आ गया टेन इनवर्स वन बाई टू देट इज़ इक्वल टू आर एच एस तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सो फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन है टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन इज इक्वल टू टेन इनवर्स थर्टी वन बाई सेवनटीन तो इसमें भी हम इस साइड वालों को सॉल्व करेंगे बट यहाँ पे टू है टू है नहीं तो लास्ट क्वेश्चन जैसे कर सकते हैं लेकिन आपको याद होगा एक फॉर्मूला है टू टैन इनवर्स एक्स का टू टैन इनवर्स एक्स इन टर्म्स ऑफ तीन फार्मूलाए एक टर्म्स ऑफ साइन एक टर्म्स ऑफ कॉस इन टर्म्स ऑफ टेन बट हमको क्या लिखना है इसमें क्योंकि अगर इसको तो सॉल्व करेंगे अगर साइन आ जाएगा तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि साइन और टेन हो जाएगा बट वही जगह हम टेन को इसको सॉल्व करके टेन का वैल्यू निकालेंगे तो टेन यहाँ पर रहेगा यहाँ पर टेन रहेगा फिर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का आएगा तो एक, कौन सा फॉर्मला आएगा दोस्तों टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर तो चलिए शुरू करते हैं तो एल एच एस टू टू टेन इनवर्स वन बाई टू प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स क्या बोला मैंने टू इन टू वन बाई टू बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज वन बाई फोर प्लस टेन इनवर्स वन बाई सेवन सिमिलरली सर सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये आएगा ऊपर वन जाएगा नीचे बचेगा एलसीएम लेंगे तो थ्री बाई फोर और ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई सेवन तो अभी ये बनेगा टेन इनवर्स ये हो जाएगा फोर बाई थ्री और ये होएगा टेन इनवर्स वन बाई सेवन तो अभी ये फॉर्मले हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन यूनिवर्स फाइव क्या है उसका डाल दीजिए डायरेक्ट डाल दीजिए हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई सेवन बाई वन माइनस फोर बाई थ्री इंटू वन बाई सेवन तो सिम्प्लीफाई कर दीजिए टेन इनवर्स मैं डायरेक्ट सिम्प्लीफाई कर रहा हूँ ट्वेंटी एट प्लस थ्री हो जाएगा नीचे एलसीएम कितना आएगा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी कैंसिल हो जाएगा ट्वेंटी वन माइनस दैट इज तो आंसर आएगा टेन इनवर्स थर्टी वन बाई सेवेंटीन दैट इज इक्वल टू आर एच एस एंड प्रूफ आराम से निकाल लिया बस सोचने प्रॉब्लम पूरा बेस कॉन्सेप्ट फार्मूला के हिसाब से जब तक फार्मूला क्लियर नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकिए क्वेश्चंस को देख के आइडेंटिफाई करना है कि हमको क्या सब्सिट्यूट करना है कौन सा फॉर्मूला डालना है यहाँ पे टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्म में था हमारे पास टू टेनवर्स एस का तीन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस और टेन तो हम क्या चूज करें टेन को जब टेन को चूज करें तो जब सॉल्व करेगा आंसर टेन में आ गया फिर एक फॉर्म फिर से अप्लाई करना क्या फॉर्म में टेन यून फिर इसको बस सिंप्लीफाई करेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा राइट हैंड साइड तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है करने शुरू करते हैं सोल्यूशन तो बस इसमें तो हम लोग को सक्चुएशन करना पड़ेगा किंग और फॉर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बाहर में साइन टेन है तो सोचिए क्या लिख सकते क्या लिख सकते है मैं लूँगा एक्स इज इक्ल टू टेन टीटा और टीटा इज ईक्ल टू टेन इनवर्स एक्स ठीक है दोस्तों जब इसमें पुट करेंगे तो क्वेश्चन में पुट करेंगे तो टेन इनवर्स रूट ऑफ अंडर रूट वन प्लस एक्स जगह क्या लिख सकते हैं जगह लिख सकते टेन टीटा माइनस वन बाई टेन टीटा साइन में दोस्तों मैंने सबसे करा है इसका तो टेन टीटा को अब ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स क्या आएगा ये टीटा माइनस वन बाई टैन टीटा है ना दोस्तों बिकॉज सेकेंड टीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर टीटा और सेकेंड टीटा इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस टेन टीटा तो उसी को मैंने अप्लाई किया अब क्या करेंगे टेन इनवर्स सिक्स टीटो को हम लिखेंगे वन बाई कॉस्ट ईटा माइनस वन बाई टेन टीटो को हम लिखेंगे साइन टीटा बाई कॉस्ट ठीटा दोस्तों समझ तो में आया आपको फिर अब क्या करेंगे कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको और सिंपल्ट फॉर्म में निकलेंगे दैट इज टेन इनवर्स वन माइनस कॉस्ट ईटा बाई कॉस्ट ईटा बाई साइन टीटा बाई कॉस्टीटा कॉस्ट कॉस्ट कैंसिल हो जाएगा बचेगा क्या बचेगा बचेगा टैन इनवर्स वन माइनस कॉस्ट वन माइनस कॉस्टीटा बाई नीचे क्या बचे, बचे यहाँ पे साइन टीटा साइन टीटा तो टैन इनवर्स वन माइनस कॉस्टिटा बाई साइन टीटा यहाँ तक हो गया अब क्या करेंगे अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा टेन इनवर्स इसको लिख सकते टू साइन स्क्वायर टीटा बाई टू टीटा बाई टू लिख सकते और नीचे वालों को लिख सकते टू साइन टीटा बाई टू कॉस टीटा बाई टू फॉर्मूला है दोस्तों फार्मूला को याद करना पड़ेगा टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एक टर्म टू टू कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा साइन टीटा बाई टू बाई टीटा बाई टू वे सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स टेन टीटा बाई टू यही हमको लेके आना है बाहर टेन है तो अंदर कुछ भी करके हमको अंदर वाला टर्म को टेन का फॉर्म में लेके आना बस उसमें सब करिए सिंपलीफाई करिए आ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बचेगा टीटा बाई टू टीटा को क्या लिए थे हम लोग टीटा क्या आया था टेन इनवर्स एक्स टू तो वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स यह आ गया सोल्यूशन तो क्या किया मैंने मैंने क्वेश्चन को देखा आइडेंटिफाई किया कि क्या स्टूट करना है मैंने सोच किया एक्सिकल टू टेन टीटा ले लेंगे एक्सिकल टेन टीटा लिया तो वन प्लस टैन टीटा बाई वन माइनस टेन टीटा तो ये जो रूट वाला टर्म इस सेट में चेंज रहेगा फिर उसके बाद मैंने सेक टीटा को वन बाई कॉस में चेंज किया और टेन को साइन बाई कॉस में चेंज किया और पूरा इक्वेशन साइन और कॉस में आ जाएगा अंदर पार्ट वन माइनस कॉस् टीटा बाई वन बाई वन माइनस बाई साइन टीटा और मैंने वन माइनस कॉस टीटा का फार्मूला डाल दिया टू साइन उसका टीटा बाई टू साइन टीटा का फार्मूला डाल दिया टू साइन टीटा बाई और कॉस टीटा बाई टू उसको बहुत सिम्प्लीफाई कर दिया आंसर आ गया साइन टैन इनवर्स इक्वल टू टैन टीटा बाई टू हमको यही चाहिए था बाहर अगर टैन इनवर्स है अंदर भी टेन में चाहिए कैंसिल कर रहा तो बच्चा टीटा बाई टू और मैंने सब कर दिया आंसर आ गया वन बाई टू टेन यूनवर्स एक्स तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते टेन इनवर्स वन बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन दोस्तों सिक्स क्वेश्चन है इनवर्स इनवर्स माइनस वन तो क्वेश्चन देख के क्या समझ सकते हैं क्या सब्स्यूट करेंगे तो नीचे है रूट ओवर साइन एक्स स्क्स वन तो यहाँ क्या सब्स्यूट करेंगे अगर एक्स को हम सेक में लेंगे तो नीचे टैन आ जाएगा तो देखिए मैं क्या करने वाला हूं तो मैं करूंगा आ, पुट सोल्यूशन लेट एक्स इज इक्वल टू sec टीटा और टीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x तो अब पुट करूंगा तो क्वेश्चन में पुट करूंगा tan इनवर्स वन बाई रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर टीटा बाई वन मैंने क्या किया x का जगह मैं sec टीटा ले लिया सब शूट करा तो इस तरह आएगा अब हाँ नीचे क्या हो जाएगा tan इनवर्स वन बाई क्या होएगा रूट ओवर टेन स्क्वायर टीटा एक किसका फॉर्म है टेन स्क्वायर टीटा का तो टेन इनवर्स वन बाई टेन टीटा स्क्वायर टर्म में रूट से। तो दोस्तों अब इसके बाद ये हो जाएगा टेन इनवर्स कॉट टीटा यार अंदर कॉट आ गया अगर वही कॉट पर जगह टेन आएगा तो सिंपल ही होगा करने में तो चलिए कॉट को हम चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन टेन फाइव बाई टू माइनस टीटा ये कैसा आया ये आया बाई द यूजिंग कॉर्डिनेट टेबल फोर्थ कॉर्डिनेट सेकंड कॉर्डेंट में मैंने इसके रिलेटेड एक वीडियो बनाई है अगर आपको इस अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है चेंज करने में कहाँ माइनस साइन कब चेंज होएगा तो इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया हुआ है तो वहाँ जाके आप समझ सकते हो तो अब आसानी से दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा पाई बाई टू माइनस टीटा और पाई बाई टू टीटा को मैंने क्या लिया था टीटा को मैंने लिया एक्स इजिकल टू साइन टीटा तो टीटा इजिकल टू सैन टीटा में से तो इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ये आंसर इसका तो होप आपको वाला भी समझ में आ जाएगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेवेंथ क्वेश्चन है टैन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स बाई वन प्लस कॉस एक्स अब अंदर को तो सॉल्व करके टेन में लेके आना पड़ेगा तो अभी तो सब्स्यूट नहीं कर सकते बट इसको हम तो सॉल्व कर सकते हैं तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा टैन इनवर्स रूट ओवर इसको हम लिख सकते कॉस एक्स माइनस वन बाई कॉस एक्स प्लस वन मैंने क्या किया माइनस कॉमन निकाला कर दिया हाँ होएगा टैन इनवर्स जी फॉर्मूले में चेंज हो गया क्या फॉर्म में टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू कैसा है दोस्तों हमें पता है कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन सॉरी प्लस वन है कि नहीं तो उसी से मैंने इसको लिखा और कॉस एक्स इजिकल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इससे मैंने इसको लिखा तो अभी ये दोनों आ गया टू टू कैंसिल हो जाएगा तो अंदर स्क्वायर टर्म है स्क्वायर टर्म जब रूट से निकलेगा तो क्या होएगा साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई क्योंकि अंदर क्या है साइंस स्क्वायर में था तो अब जो ये टर्म है ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन एक्स बाय टू आ गया आ गया टेन टेन आ गया आराम से कैंसिल हो जाएगा आंसर आ जाएगा एक्स बाई टू तो सिंपल फॉर्म हो है एक्स बाई टू बस सिंपली हम लोग को पता करना है क्या करना है सॉल्यूशन मैंने क्वेश्चन देके फाइंड आउट किया उसके बाद मैंने इसको इंटरचेंज किया यहाँ पर इससे दोनों ऊपर नीचे से आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो भी ऐसे आ जाएगा उसके बाद ए फॉर्मूला के इस्तेमाल से मैंने यहाँ पे टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डाला फिर सॉल्व शौल, सॉल्व करा उसको ऊपर देखा जाए तो स्क्वायरिंग टर्म में साइन स्क्वायर एक्स बाई टू बाई कॉस्वायर एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू सॉल्व किया तो अंदर टेन आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा एक्स बाई टू तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन है टेन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो इसमें सब्सिट्यूशन नहीं कर सकते हम लोग को सिम्प्लीफाई करना है तो चले सिंप्लीफाई करते हैं अभी दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं करूँगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग डूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं कॉस एक्स से डिवाइड करूँगा तो क्या होएगा टैन इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स आ जाएगा मैंने क्या निल्म देटर, निल्म देटर किया न्योमिनेटर डिलोमिनेटर को कॉस एक्स से डिवाइड किया तो इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई कॉस एक्स बाई साइन एक्स बाई कॉस एक्स बाई य टम कॉस एक्स बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स सो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं टेन इनवर्स ये दोनों में कैंसिल हो जाएगा वन हो जाएगा वन बाई ये क्या हो जाएगा टेन एक्स बाई कैंसिल हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स तो दोस्तों ये तो फार्मूला का बेस में आ गया क्या फार्मूला है उन्हें पता है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू टेन

कॉस एक्स डिवाइड किया तो कॉस एक्स से डिवाइड करने पर तो टर्म कॉस एक्स से डिवाइड होएगा तो आंसर सॉल्व करने पर वन माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन एक्स फॉर्मूला है टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन एक्स तो सब करें इसमें तो ये हो जाएगा दोनों कैंसिल पाई बाई फोर माइनस एक्स बचेगा तो आंसर इज पाई बाई फोर माइनस एक्स दोस्तों नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वेयर तो ऑब्वियसली इसमें तो सब करना पड़ेगा तो मैं लूँगा लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन टीटा लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन टीटा टीटा वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बाई एज इक्वल टू साइन टीटा हो जाएगा और टीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए याद रखेंगे आखिरी में काम आएगा तो अभी क्वेश्चन रखेंगे तो टेन इनवर्स एक्स क्या निकलेंगे ए साइन टीटा बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो हम करेंगे टैन इनवर्स अब पैकेट सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो सेम आ जाएगा बट नीचे क्या है नीचे है अंडर रूट ए स्क्वायर कॉमन है बाकी बचेगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो अभी फिर से टैन इनवर्स ए साइन theta by अंडर रूट ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा वन मैंने साइंस को टीटा दैट इज कॉस स्क्वायर theta तो अभी टैन इनवर्स ए साइन theta by अंडर रूट से निकल के आएगा तो कॉस theta आ जाएगा theta आएगा ना ए theta क्योंकि स्क्वायरिंग टर्म है कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा tan इनवर्स tan theta और टेन टन का चेगा आंसर बचेगा टीटा और टीटा का वैल्यू क्या है टीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाईस आंसर इज दिस तो मैंने क्या किया मैंने ऐस का जगह ए साइन टीटा को सब छूट किया और सिम्प्लीफाई किया लास्ट में आंसर आराम से निकल के आ गया तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो दोस्तों ये भी सब छूट नहीं कर सकते हैं इसमें भी तो बाहर में tan है अंदर भी टेन का फॉर्म नहीं आएगा तो चले करते हैं सोल्यूशन लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेन टीटा लेंगे ए टेन टीटा लेंगे तो यहाँ से टेन टीटा वैल्यू निकालेंगे तो एक्स बाई इज़ इक्वल टू टेन टीटा और टीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई सो अभी क्या करेंगी? करेंगे करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे टेन इनवर्स थ्री ए इन टू एक्स जगह क्या निकलेंगे एक्स का जगह निकलेंगे ए टेन टीटा माइनस एक्स क्यूब है मतलब ए क्यूब टेन क्यूब टीटा बाई ए क्यूब ए क्यूब माइनस थ्री ए थ्री ए इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टेन स्क्वायर टीटा तो दोस्तों ऊपर से कॉमन निकाल सकते ए क्यूब को देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है ए स्क्वायर ए ए क्यूब ए क्यूब नीचे भी ए क्यूब कॉमन आएगा तो निकाल देंगे ए क्यूब को कॉमन इजिकल टू ए क्यूब निकाल देगा तो बचेगा थ्री टेन टीटा माइनस टेन क्यूब टीटा बाई नीचे क्यूब को निकालेंगे तो वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर टीटा कैंसल हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा टेन इनवर्स थ्री टेन टीटा टेन क्यूब टीटा वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर टीटा ये किसका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है टेन थ्री टीटा का टेन थ्री टीटा इज इक्वल टू थ्री टेन टीटा माइनस टेन क्यूब टीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर टीटा तो कैंसिल आंसर बचेगा थ्री टीटा और टीटा को चेंज करो टर्म्स ऑफ एक्स क्या है टेन इनवर्स एक्स बाई tan इनवर्स एक्स बाई ये इसका आंसर तो बस मैंने सब किया एक्स इज इक्वल टू ये टेन टीटा टी वैल्यू वाली यहाँ से निकाल दिया सब चुट करने के बाद ए क्यू इस पर नीचे से एक क्यू कॉमन आएगा टेन इनवर्स बाहर रहेगा अंदर का जो टर्म्स है वो क्या है फॉर्म फॉर्मूला है टी थ्री डीटा का बस थ्री डीटा आएगा और टीटा को मैंने चेंज किया टेन इनवर्स एक्स वाई है तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करेंगे एक्चुअली देख सकते हैं यहाँ पे तो टोटल डिफरेंट है ये टेन इनवर्स फिर ब्रैकेट में टू कॉस ऑफ टू साइन इनवर्स वन बाई टू तो क्या करेंगे पहले टैन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स इसको हम लोग क्या लिख सकते इसको वन बाई टू को हम लोग क्या लिख सकते वन बाई टू को हम लोग लिख सकते साइन पाई बाई सिक्स साइन पाई बाई सिक्स क्योंकि साइन पाई बाई सिक्स यानी साइन थर्टी क्या होता है वन बाई टू तो अभी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग टर्म को लिख लीजिए इनवर्स टू कॉस टू π बाई सिक्स टू इंटू फाइव बाई सिक्स और ये बचेगा थ्री फिर निकल लीजिए टेन इनवर्स टू कॉस क्या बचा है फाइव बाई थ्री तो दोस्तों कॉस फाइव बाई थ्री मतलब कॉस सिक्सटी कॉस सिक्सटी क्या है कॉस सिक्सटी वन बाई टू कॉस सिक्सटी वन बाई टू तो टेन इनवर्स टू इन टू कॉस फाइव बाई थ्री दैट इज़ वन बाई टू वन बाई टू दोनों कैंसिल हो जाएगा टेन इनवर्स वन टेन इनवर्स वन इज इक्वल टू फाइव बाई फोर फाइव बाई फोर सो तो हो गया सॉल्व अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कॉट ऑफ टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए डायरेक्ट फॉर्म में दोस्तों एक फॉर्मला पढ़े थे हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू तो सिमिलरली तो यही फॉर्मला यहाँ पे आएगा कॉट ए इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्ला हो जाएगा कॉट ऑफ टैन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए पाई बाय टू और कॉट पाई बाई टू जीरो Okay, दोस्तों बहुत ही आसान था अब आगे क्वेश्चन कुछ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं टर्टींथ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 वन बाई टू ऑफ साइन इनवर्स टू एक्स बाईन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर तो दोस्तों फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर बाई वन प्लस वाई दोनों एक ही का फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है टू tan इनवर्स एक्स का फॉर्म है टू टैनवर्स एक्स इज इक्ल टू साइन टू साइन इनवर्स टू एक्स बाईन प्लस एक्स स्क्वायर टू टैन यूनवर्स एक्स इजिकल टू तो ये क्या हो जाएगा ये होएगा वन बाई टू टू टैन इनवर्स एक्स प्लस टू टैन इनवर्स बट यहाँ पे वही है तो वही ले लेंगे फॉर्मूला का इस, ये फार्मूला है दोस्तों अभी नेक्स्ट करेंगे टेन इनवर्स वन बाई टू दोनों में क्या कॉमन है टू कॉमन है टू ले लीजिए फिर अंदर निकलेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई टू टू कैंसिल तो हो जाएगा बचेगा टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई तो दोस्तों इसका फॉर्मूला तो यहाँ पता है हमको कि हमें पता है टेन इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा रिमेनिंग टेंग एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई इज द आंसर बहुत आसान था तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स के वैल्यू फाइंड करना तो चलिए करते हैं हम तो जैसे करेंगे मैं क्या करूँगा इस साइन को उस साइड लेकर चले जाऊँगा तो बचा है क्या साइन इनवर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हम क्या करेंगे साइन को उस साइड लेके जाएंगे तो साइन इनवर्स वन हो जाएगा साइन इनवर्स वन तो उसको क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन को फाइव प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन इज इक्वल टू बाई टू अब मैं क्या करूँगा साइन इनवर्स वन बाई फाइव इज इक्वल टू बाई टू माइनस कॉस इन्वर्स एक्स पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो ये फार्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है तो इससे ये आ जाएगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स कॉसन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज टू पाई बाई टू फॉर्मूला दोस्तों तो इससे मैंने इसका निकाला पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज टू साइन इनवर्स एक्स तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स वन बाई फाइव इज इक्वल टू फाइव बाई टू इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स तो यहाँ से एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन बाई फाइव तो बस फिर से आपको समझाऊंगा जैसा क्वेश्चन था मैंने साइन को राइट साइड लेके चले गया तो बजे वाला टाइम साइन इन्वर्स वन बाई फाइव प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इन्वर्स वन वैल्यू है फाइव बाई टू उसके बाद हम लोग क्या करें साइन इनवर्स वन बाई फाइव कॉस को उस साइड लेके गया क्योंकि उस साइड इसलिए लेके गए क्योंकि वो फॉर्म का फार्मूला के हिसाब से आ जाएगा फार्मूला के बेस में आ जाएगा तो साइन इनवर्स वन बाई फाइव इज एकल टू पाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स और पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स एक्स बाई यूजिंग दिस फॉर्मुला तो साइन इनवर्स वन बाई फाइव इज इकल टू साइन एक्स और एक्स इज इकल टू वन बाई फाइव तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं टेंथ क्वेश्चन टैन इनवर्स एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस टू प्लस टैनवर्स एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इक्वल टू पाई बाई फोर दोस्तों डायरेक्ट फॉर्म में यूज करने यहाँ पे टेन एक्स प्लस टेनर्स वाई तो टेन यूनवर्स एक्स प्लस टेन एनस वाई क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई तो उसी का यूज करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स टू प्लस वाई का बार आएगा तो क्या आ जाएगा होल्ड बाई वन माइनस एक्स वाई एक्स वाई तो एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए जिससे आपको आसानी हुआ करने में एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस टू इजिकल टू पाई बाई फोर तो हम क्या करेंगे इस टैन को ओ साइड लेके जाएंगे तो अब क्या करेंगे टैन इनवर्स एल्सियम लेंगे तो लेकर तो दोनों का एल्शियम क्या आएगा एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू आएगा तो छोड़ दीजिए अभी डिमिन टर्म निकालेंगे एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू वो डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म इस्ट तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू फाइव बाई फोर टेन इनवर्स तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इजिकल टू पाई बाई फोर मैंने क्या किया मैंने सॉल्व किया एक्स माइनस एक्स प्लस बी फार्मूला और यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और फॉर्मूला तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद आ जाएगा टैन इनवर्स ये आएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस अंदर जाएगा और ये माइनस माइनस फोर और माइनस माइनस थ्री देट इज़ माइनस थ्री इक्वल टू पाई बाई फोर अब भैया टेन इनवर्स को वो सड़े लेके जाएंगे दोस्तों तो क्या आएगा टेन इनवर्स को उससे लेके जाएंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई थ्री सॉरी माइनस थ्री और टेन यूनिवर्स उससे लेके जाएंगे तो बने बजेगा टेन पाई बाई फोर तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री टू वन और इसको लिख सकते हैं टू एक्स स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री और टू एक्स स्क्वायेयर इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस फोर टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर इज टू वन बाई टू और एक्स इज इक्वल टू वन बाई रूट टू ये है आंसर एक्स का तो फैन थोड़ा लम थोड़ा लेंथ था ज़्यादा कुछ यूज़ करे नहीं बस न्यूमेरिकल पार्ट ही थोड़ा लेंथी हो बा एक सिंपल फॉर्मूलाएगा टेन इन एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का वह वा सब न्यूमेरिकल पार्ट है सब ध्यान से करना एक्स इक्वल टू वन बाई रूट टू नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है, है। क्योंकि साइन इन्वर्स ऑफ साइन टीटा जो होता है हमेशा टीटा होता है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर टू पाई बाई थ्री भी लिख सकते टू फाइव बाई थ्री भी लिख सकते लेकिन ये गलत है क्यों साइन का रेंज कितना है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू माइनस बाई टू टू फाई बाई टू मतलब नाइन्टी से माइनस नाइन्टी का अंदर ही साइन का वैल्यू होगा बट ये क्या है ये टू पाई बाई थ्री मतलब वन ट्वेंटी है वन ट्वेंटी तो इसमें बीच में तो वन ट्वेंटी नहीं है वन ट्वेंटी तो इस साइड आएगा तो इसका मतलब जो वैल्यू है इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू दिस तो मतलब इसको और सिम्प्लीफाई करना और सिंप्लीफाई करके हम लोगों को आंसर लेके आना तो है तो चलिए उसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो दोस्तों चलिए करते हैं साइनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय थ्री पाई माइनस पाई बाय थ्री हब साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री क्या होता साइन पाई माइनस पाई बाय थ्री एक्स पाई प्लेन है पाई माइनस पाई बाय थ्री कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा पाई माइनस फाइव थ्री कितना आएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा पाई माइनस फाइव थ्री और सेकंड कोऑर्डिनेट सब के साइन क्या है पॉजिटिव रहता है तो साइन पाई माइनस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू साइन पाई थ्री साइन थ्री और ये आ जाएगा 3 मा फाइ बाई टू, टू। साइन में आता है पाई तो इसलिए सिंपलीफाई करना डायरेक्ट नंबर नहीं लिख सकते क्योंकि टू पाई बाई थ्री जो है इसमें सिंप्लीफाई इसमें बिलोंग्स नहीं करता है इसके अंदर नहीं आता तो इसलिए हमको सिंपलीफाई करके ऐसा पर्टिकुलर आंसर निकालना है जिसके लिए ये सूटेबल इसके अंदर आ जाए तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन टेन इनवर्स टेन ऑफ थ्री पाई बाई फोर इसको भी सिंप्लीफाई करना तो चलिए करते हैं टेन इनवर्स टेन थ्री फाइव बाई फोर को क्या लिख सकते? So, है? है. है. so, सकते हैं फाइव माइनस फाइव बाई फोर तो फाई माइनस फाइव बाई फोर कौन सा कॉर्डिनेंट है फाइव माइनस फाइव बाई फोर सेकेंड कॉर्डिनेंट है फाइव बाई फोर सेकेंड कॉर्डिनेंट है और सेकंड कॉर्डिनेट क्या है टेन नेगेटिव होता है टेन नेगेटिव होता है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग टेन फाई बाई फोर टेन पाई माइनस फाइव बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टेन बाई फोर और इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स टेन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर क्यों माइनस टेन फाइव बाई फोर क्या नहीं सकते क्योंकि माइनस टेन टीटा इज इक्वल टू टेन माइनस टीटा फॉर्मूला है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आंसर बचेगा माइनस फाइव बाई फोर सो समय आए दोस्तों इस तरह सिंप्लीफाई करना आपको हम लोगों को छोटी सी पर्टिकुलर आंसर टेन का लेके आना तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ सो दोस्तों एटीन क्वेश्चन में टेन ऑफ समथिंग है जो ब्रैकेट में जो कि फॉर्मूला के बेस में नहीं है उसको कुछ कर भी नहीं सकते जैसे फार्मूला लेके आ सके लेकिन अगर बाहर टेन है अगर अंदर को हम लोग टेन टेन ऑफ टैन इनवर्स टीटा में लेके आ जाएंगे तो टीटा आ जाएगा आंसर तो अब उनको क्या करना है भी इस ब्रैकेट को सॉल्व करके फुल ब्रैकेट को टेन में लेके आना तो तो दोस्तों हम लेंगे ए इज ईक्ल टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव एंड बी इज ईक्ल टू कॉट इनवर्स थ्री बाई टू तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इज इक्ल टू थ्री बाई फाइव एंड ये हो जाएगा कॉट बी इक्वल टू थ्री बाई टू मैंने क्या किया साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव को a लिया और कॉट इनवर्स थ्री बाई टू को b लिया उससे साइन a और कॉट भी मिल जाएगा साइन a से हम लोग साइन a से कि हम लोग क्या लिख सकते कॉस ए ला सकते साइन ए से क्या कॉस ए ले सकते क्या फॉर्म में क्या 1 minus, 1 minus, uh, 1 a. तो, है वन माइनस वन माइनस कॉस एज इक्वल टू वन माइनस तो साइंस पर मतलब नाइन बाई ट्वेंटी फाइव इसको जब सॉल्व करेंगे ट्वेंटी फाइव बाई नाइन दैट इज फाइव और आएगा सिक्सटीन बाई ट्वेंटी फाइव दैट इज़ फोर बाई फाइव कॉस ए कितना आ गया फोर बाई फाइव इसी तरह कॉट बी थ्री बाई टू है तो टेन भी कितना आएगा टू बाई थ्री टेन भी कितना आएगा टू बाई थ्री तो अभी हम लोग पास टेन भी आ गया इससे भी टेन ए निकाल देंगे टेन ए इज इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए हम हमारे पास साइन ए का भी वैल्यू है कॉस ए का भी वैल्यू है साइन ए का वैल्यू कितना है थ्री बाई फाइव और कॉस ए का वैल्यू कितना है फोर बाई फाइव तो दोनों सॉल्व करेंगे तो थ्री बाई फोर तो टेन ए के वैल्यू थ्री बाई फोर टेन बी के वैल्यू थे टू बाई थ्री अब इसमें डालेंगे हम लोग तो जब क्वेश्चन में डालेंगे टेन ऑफ इसको क्या लिए थे साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव को ए थे और इसको क्या लिए थे बी लिए थे सॉल्व करो सॉल्व करने से क्या आएगा फॉर्मूला है टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए टेन बी तो वैल्यू हम लोग निकाल दें निकाले हैं टेन ए की वैल्यू के थ्री बाई फोर थ्री बाई फोर प्लस टेन बी की वैल्यू टू बाई थ्री फोल डिवाइडेड बाई इक्वल टू बीच में डाल दीजिए वन माइनस थ्री बाई फोर टेन ए का वैल्यू है और टू बाई थ्री तो, हो करिए दोस्तों टू ये बचता है एल निकालेंगे तो नाइन प्लस एट बाई ट बाई अंडर टू 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 माइनस वन बाई टू सिक्स या आ जाएगा एट सिक्सटीन सेवनटीन बाई सिक्स आंसर है सेवनटीन बाई सिक्स सो नाइनटीन क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई सेवन फाइव बाई सिक्स जैसे कि हम जानते हैं cos का जो रेंज होता है वो होता है जीरो टू पाई बट जो सेवन पाई बाई सिक्स है वो इसके अंदर बिलोंग्स नहीं करते तो इसीलिए हमको और सिंप्लीफाई करना है जिससे कि इसका अंदर इसका वैल्यू आ जाए जीरो टू पाई बाई जीरो टू पाई इन क्लोज इंटरवल तो सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स कॉस सेवन पाई बाई सिक्स दिया है तो इसको क्या लिख सकते हम लोग कॉस इनवर्स कॉस ऑफ सेवन पाई बाई सिक्स को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई सिक्स पाई प्लस पाई बाई सिक्स लिख सकते हैं अभी जब इसको कॉर्डिनेट में देखेंगे हम लोग पाई प्लस पाई बाई सिक्स आता है थर्ड को में पाई प्लस पाई बाई सिक्स और थर्ड क्वार्टर में कॉस क्या नेगेटिव है तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई सिक्स बट या माइनस आएगा कॉस पाई प्लस पाइव बाई सिक्स क्या आता है माइनस कॉस पाइ बाई सिक्स बट अब इसको माइनस को अंदर लेके जाएंगे जब तो, माइनस अंदर जाएगा तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स आएगा कैसा आया पता है कॉस ऑफ माइनस कॉस टीटा इज ईक्ल टू कॉस ऑफ पाई माइनस टीटा ये फॉर्मुला से माइनस कॉस टीटा इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस टीटा उसी के थ्रू मैंने इसको माइनस कॉस पाई बाई सिक्स को कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई सिक्स लिया आंसर हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई सिक्स बचेगा तो आंसर आएगा फाइव पाई बाई सिक्स तो ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है पता चल जाएगा दोस्तों ट्वेंटी क्वेश्चन साइन ऑफ़ पाई बाई थ्री माइनस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू तो साइन इनवर्स माइनस क्या होता माइनस साइन इतना याद रख लीजिए तो ये हो जाएगा साइन ऑफ फाइव बाई थ्री फाइव बाई थ्री माइनस है अंदर जब सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स माइनस फाइव बाई टू क्या आता है साइन इनवर्स माइनस फाइव बाई टू आएगा माइनस साइन इनवर्स वन बाई टू सॉरी वन बाई टू है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू क्या आएगा माइनस साइन यूनवर्स वन बाई टू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रिमेनिंग टर्म साइन वन बाई टू तो अभी साइन ऑफ फाइव बाई थ्री प्लस साइन इनवर्स वन बाई टू साइन इनवर्स वन बाई टू कब होता दैट इज़ थर्टी साइन थर्टी सॉल्व कर लीजिए साइन ऑफ सिक्स थ्री पाई बाई टू आएगा जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा अब इसको हम लिख सकते हैं टू और ये आएगा साइन ऑफ पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू साइन ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू क्या है वन साइन ऑफ टाई वन और ये ऑप्शन नंबर डी मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे एक पांड आउट कर लिया साइन इनवर्स माइनस का फॉर्म है कौन सा फॉर्मिला है साइन माइनस का फॉर्मिला इसका फॉर्मूला क्या है माइनस साइन तो इससे मैंने ये निकाला और साइन माइ साइन वन बाई टू क्या है फाइव बाई सिक्स सिंप्लीफाई करा आंसर है वन ऑप्शन इज डी लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री पहले इसको सॉल्व करेंगे टैन इनवर्स रूट थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री कॉट ऑफ माइनस टीटा क्या होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स टीटा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री कॉट इनवर्स माइनस इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स आ गया हम निकालेंगे टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री ठीक है सो tan रूट so, tan इनवर्स रूट थ्री क्या है पाई बाई सिक्स माइनस पाई कॉट इनवर्स रूट थ्री पाई बाई थ्री अब एलसीएम लेंगे तो सिक्स आ जाएगा पाई माइनस सिक्स पाई प्लस टू पाई तो करेंगे थ्री पाई माइनस सिक्स पाई बाई सिक्स डेट इज माइनस थ्री पाई बाई सिक्स द आंसर इज माइनस पाई बाई टू वैल्यू आ गया माइनस फाइव बाई टू सिर्फ हम लोग एक छोटा सा फॉर्म यूज़ कर रहे थे क्या फॉर्मला कॉट इनवर्स माइनस टीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स माइनस टीटा इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स टीटा ये फॉर्म यूज़ करें उसके बाद बस सिंप्लीफाई करें टैन इनवर्स का जो भी वैल्यू था वैल्यू डालते पाई बाई 3, पाई बाई थ्री और सिंप्लीफाई करें माइनस पाई बाई टू तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर डाले तो होप आपको पूरा समझ में आया रहेगा तो पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाने की कोशिश किया सिंपल ट्रिक्स यूज़ किया सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू